मेरे साथ देश में महिलाओं की लड़ाई की प्रतीक बन चुकी सोनी सोरी हैं। भले ही आदिवासी परिवार में पैदा हुई, लेकिन आज अगर आप फूलन देवी के बाद कोई बड़ी महिला जिन्होंने लगातार तकलीफें सही, पुलिस की यातनाएं सही और संघर्ष कर रही हैं, तो उसका नाम है सोनी सोरी। मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हूँ। एक दलित आदिवासी समाज का बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसमें वो शामिल होने आई हैं। उनसे बात करेंगे आदिवासी समाज पर, पुलिस की व्यवस्था पर और ख़ासकर कैसे आदिवासी समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है उस पर और पूरी राजनीति पर। सोनी सोरी जी, पहले तो आपने समय दिया उसके लिए थैंक्स, नेशनल दस्ता की तरफ से धन्यवाद। एक लंबी लड़ाई लड़ रही हैं आप, अब अभी भी लड़ रही हैं जिस तरह से आप पर हमले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के नाम पर राज बटा, कितनी भागीदारी है आदिवासी समाज की किसी भी पार्टी की बात करें? देखिए, आदिवासी को कोई हक अधिकार नहीं मिला, चाहे राजनीति में हो या जो भी है। अगर वो राजनीति के दौर पे भी अगर सत्ते पे भी आए हैं, तो वो अपनी हक और अपनी अधिकार को उस तरह से बोल नहीं पाते हैं, विधानसभा में नहीं बोल पाते हैं, संसद में नहीं बोल पाते हैं। ये भी हमारे आदिवासियों को कहीं ना कहीं कमी है। और मैं चाहती हूँ कि उन नेताओं से, उन राजनीति नेताओं से, कि ये जो हमारे बस्तर में जो महिलाओं के साथ इतना घिनौनी हरकत से उनके साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे युवा पीढ़ियों को जेलों में डाला जा रहा है और इतने मतलब उनको इनकाउंटर में मारा जा रहा है, वही नहीं गैर आदिवासी भी कहीं ना कहीं शोषण हो रहे हैं। तो मैं वो आदिवासी नेताओं से मेरी एक अपील है, निवेदन है कि वो अपने हक अधिकार की बात करें। वो जल जंगल जमीन हमारी है ये कहते जरूर है, लेकिन वहाँ टेबल बजा के उनको बोलना चाहिए ये हमारा है। सोनी सोनी जी, आप पूरे राजनीति आंदोलन की बात करें तो आपने इतनी तकलीफें सही, आज आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग आपको जानते हैं। नक्सल आंदोलन की वजह से आदिवासी समाज स्कूल नहीं जा पाए और उसको सवर्ण, कुछ पढ़े लिखे बड़े इंटेलेक्चुअल सवर्ण जो हैं वो बड़े बड़े शहरों में बैठ के इस आंदोलन को ऑपरेट करते हैं, उनके पास पैसा पहुंचता है, लेकिन मारा जा रहा है आदिवासी। क्या लगता है, स्कूल जाना बेहतर ऑप्शन है हथियार के बदले? देखिए, मेरा ये कहना है, नक्सल के कारण स्कूलें बंद हो जाना, नक्सल के कारण स्कूलें के चलना, स्वस्थ वहाँ तक गांव-गांव तक जो आदिवासी के अंतिम छोरा तक जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो जाना, नक्सल का वजह बनना, ये गलत है। और मैं चाहती हूँ कि सरकार वहाँ तक पहुँचा देना ही नहीं चाहती है। और मैं चाहती हूँ कि शिक्षा से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, और सरकार के पास भी बंदूक है, नक्सल के पास भी बंदूक है। तो मेरी लड़ाई विचारों की लड़ाई है, मेरी लड़ाई एक अच्छी शिक्षा के दम पे की लड़ाई है। तो मैं चाहती हूँ हमारे हर कोने तक हमारे बच्चे, हमारे आदिवासी बच्चे और हमारे छत्तीसगढ़ में एक अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, जिससे नक्सल समस्या खत्म हो जाएगी, विकास के दौर पे नक्सल समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं, एक बात बताइए ना, ये जो नक्सली के नाम पर जो आंदोलन चल रहा है, उसके जो नेता हैं, हमारे आदिवासी जा रहे हैं नेता, उसके दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में बैठे हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी की वजह से गरीबों की हत्या हो रही है, ये आदिवासी समाज को कैसे समझाया जाए कि आपका इस्तेमाल हो रहा है? और उन लोगों को जो शहर में बैठकर नक्सलिज्म आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ग्राउंड बैटल पे क्यों नहीं आते हैं? देखिए, आप जो ने सवाल पूछा है कि नक्सल की वजह से हमारे आदिवासी मारे जा रहे हैं, देखा जाए तो दोनों के तरफ से, मान के चलो ये गांव होया करता है जिसमें 200 लोग वहाँ रहते हैं, तो कुछ को नक्सल मार दे रही है तो कुछ को सरकार मार दे रही है, दोनों के बीच में जो हमारे दोनों तो सवर्ण समाज के लोग, सरकार भी सवर्ण, नक्सल आंदोलन भी सवर्णों की है, तो ये कैसे समझाया जाए और लोगों को कैसे समझाया? हम कर रहे हैं, हम जाके उस जगह पे जाके ये बताते हैं कि सरकार अगर आपको लेकिन कहीं ना कहीं हमको कुछ जागरूकता के कारण सरकार हमको करने नहीं देती है। सरकार की बात करें तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ भागीदारी एकदम से नहीं है, ग्राउंड आदिवासी समाज में। जी हाँ, क्योंकि हजार के तागात भी हो चुकी है, जब हम एक आवाज देते हैं तो हर सोनी सोनी के रूप में हजार मतलब 10,000 से लेकर 4,000 तक रैली आ जाती है, धरने में आ जाते हैं। और आपने इतना बड़ा मेरे को मौका दिया तो मैं छोटी शब्दों में बोलती हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार से मदद के लिए आगे क्यों नहीं आया? हमने दो बार बोल चुका है कि अगर मदरसा के लिए आगे बढ़े तो उसमें ये सवाल उठाया गया है कि माओवादी की तरफ से सोनी सोनी लीड करे। मैं माओवादी की तरफ से नहीं करूँ, मैं अपने आदिवासी नेता और
आदिवासी जनता के तरफ से माओवादी का खेल जानबूझकर बना के रखने की कोशिश हो रही है। ये तो जानबूझ के है, सरकार नहीं चाहती है आदिवासी समस्या खत्म हो, ये नक्सल की लड़ाई और दोनों के बीच में जो चल रही है वो खत्म नहीं हो, क्योंकि उसकी लड़ाई से यहाँ करबो अरबों पैसे आ रहे हैं, यहाँ जल जंगल जमीन छीना जा रहा है, इस तरह हमारे आदिवासी बिछड़ रहे हैं, आदिवासी मर रहे हैं, आदिवासी जेल जा रहे हैं। तो मैं आप लोग सबसे ये कहना चाहती हूँ, सरकार मदस्था के लिए आए, और क्योंकि मदस्था करने जिस दिन आएगी उन आदिवासी से पूछा जाए वो आदिवासी मतलब लड़ाई जो सरकार जो है वो चाहती है कि नक्सली बंदा रहे ताकि उनको जमीन छीनने में आसानी हो सरकार को। ये बताइए कि आज तक बड़े नेताओं में कौन से नेता पकड़ा गया, बस्तर का बड़ा नेता आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया? हर बार आदिवासी को गांव के लोगों को बड़ा नेता अंदर क्यों डाल रहे? सरकार नाकामयाब हो रही है, बल्कि यहाँ नक्सल और बढ़ावा दे रही है, और इसका वजह सरकार जिम्मेदार है। मैं नक्सल को नहीं बोलूंगी, इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि हम देख रहे हैं बढ़ोतरी हो रही है नक्सल की, बल्कि घट नहीं रही है। जितना शोषण आदिवासी के साथ होगा उतना नक्सल प्रवृत्तियां बढ़ेगी। सोनी सोरी अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है, आपका मामला गया समाज का, खासकर बहुजन समाज का, महिलाओं का क्या समर्थन मिल रहा है? मेरे लिए बहुत समर्थन है, पूरे देश का समर्थन है, पूरे बस्तर का समर्थन है, छत्तीसगढ़ में समर्थन है। आज मुझे इस बात की खुशी है, ये मेरे लिए पहली बार है, और आज मैं इस आदिवासी सर्वाधिवासी समाज का ये पहली बार मैं आई हूँ, और आज मुझे बुलाया गया तो ये समर्थन नहीं है। सोनी सोरी एक सवाल है, पूरी लड़ाई को अम्बेडकर वाद डेमोक्रेटिक संविधान की तरफ आगे बढ़ाने में क्या दिक्कतें आ रही है सो बताइए। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हर किसी वर्ग के लिए एक कानून बनाया, उस कानून के तहत हम लड़ रहे हैं। आज पुलिस उस कानून के आगे घुटना टिकाने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन पुलिस हार जाती है, प्रशासन हार जाती है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर हर वर्ग के लिए कानून बनाया। आज मैं जंगल के अंदर घुस के किसी की लड़ाई लड़ती तो कानून के और संविधान की लड़ाई लड़ती है, जिससे वो हारते हैं, और उसका हारने के वजह से ये लोग हमें आंदोलन को समर्थन का चस्पा लगाया। देखिए भाई साहब, अगर मेरे मंदिर में इतने कुछ से अत्याचार किया गया सरकार ने, मैं भी चाहती थी बंदूक उठा सकती थी, लेकिन मैंने बंदूक इसलिए नहीं उठाया, उस बंदूक से सिर्फ मैं अपने दुश्मन को मार सकती हूँ, आदिवासी समाज का क्या हुआ? मेरी लड़ाई नहीं रही, मेरी लड़ाई पूरी समाज आदिवासी के लिए, बस्तरवासी के लिए, इसलिए मैं कभी हथियार विचार से लड़ूंगी, और जब तक जिंदा रहूंगी तब तक मैं बस्तर की लड़ाई में लड़ते रहूंगी और विचारों से शांति रहूंगी। तो ये झकझोरने वाले थी सोनी सोरी की बात, आप समझिए कि हथियार, बाबा साहब ने कहा था कि भारत में हथियार सोल्यूशन नहीं है, संविधान सोल्यूशन है। सोनी सोरी की बात है, लेकिन उन्हें यातनाएं झेली है, जेल से लेकर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जो दर्द झेला, उसके बाद भी उनको लगता है कि संविधान लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहती है, और इनकी लड़ाई जो है वो सोनी सोरी की लड़ाई नहीं है, वो आदिवासी समाज की लड़ाई है, वो देश की महिलाओं की आजादी की लड़ाई, खासकर आदिवासी और बहुजन महिलाओं की लड़ाई है। और सोनी सोरी से जब बात करने के बाद मुकाम तक पहुंचा, मुझे लग रहा है नक्सली के नाम पर भी सरकार और इस शहरों में बैठे बड़े नेता रोटी सेक रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें सोनी सोरी जैसे तमाम जो सीधे साधे शरीफ आदिवासी वो पीस रहे हैं, और सरकार में उनकी भागीदारी वैसे ही खत्म है। नक्सली के नाम पर सोनी सोरी जो है वो संवैधानिक तरीके से आदिवासी की लड़ाई लड़ रही है, उनका कहना है समित मासिक नेशनल दस्तक रायपुर छत्तीसगढ़।